टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 15 साल हेट, 15 साल पुराने हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दी राहत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस नूदलपति वेंकट रमण आज होंगे रिटायर। लखनऊ में यूपी वित्त व लेखा सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन आज, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की कार्यक्रम में शिरकत। दिल्ली में विधानसभा के बाहर बीजेपी का शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। देश में आज कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले, लगातार कम हो रहे एक्टिव केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। गोंडा के बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। आपको बता दें कि बीमार बुजुर्ग को अस्पताल ना मिला तो स्ट्रेचर मिला और ना ही इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिसके बाद आधे घंटे में इमरजेंसी के बाहर बेटे की गोद में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मरने के बाद अस्पताल की तरफ से बुजुर्ग के शव को घर ले जाने के लिए शव भी नहीं मिल पाया। इसको देखते हुए लग रहा है कि जिम्मेदारों के संवेदनहीन रवैये और लाचार व्यवस्था बुजुर्ग की जान भेंट चढ़ गई। कानपुर नगर में डायरिया बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आपको बता दें कि रावतपुर क्षेत्र में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहां पर महापौर प्रमिला पांडे का अचानक हेलेट अस्पताल पहुंच गई, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही देखते नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि एक बेड पर सिर्फ एक मरीज को ही रखा जाए। मैंने पेपर में देखा, आप लोग माध्यम से कहा कि एक एक बेड पर दो दो मरीज थे, इसलिए मैं सवेरे से एक घंटे से यहाँ हूँ। और यहाँ मैंने करीब 6-7 वार्डों का देखा, तो जो जिस पर दो मरीज हैं एक बेड पर, मैंने यहाँ के प्रबंधक को ये बोला कि इनको अलग अलग करिए, कोई व्यवस्था ना हो तो कहीं इनको और शिफ्ट करिए। अब इनकी इस बीमारी में इनको अच्छा उचित इलाज करिए। और मैं तो इसलिए आई थी कि यहाँ पर वही जो बीमारी उसकी है, क्या कालरा वाली बीमारी जो है, डायरिया वाली, वहाँ के कितने मरीज हैं, तो उसमें 2-4 मरीज मिले। और यहाँ क्या कहते हैं, देखकर मैंने यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि इनको कोई दिक्कत नहीं। क्या 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 नाम है इनका, कब से एडमिट है यहाँ पर? एक ही बेड में दोनों लोग हैं? हाँ। क्या इनको बेड नहीं मिला है क्या? नहीं, ये कल आई हैं। इनको बीमारी क्या है? चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इन क्या नाम है इनका, ये एडमिट है? क्या नाम है, कब से एडमिट है यहाँ पर? बेड क्या मिला नहीं है कि आपने कहा था किसी से? मऊ जिला के विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी डॉक्टर राहुल शुक्ला को आजमगढ़ मंडल के प्रभारी मनु श्रीवास्तव ने आजमगढ़ मंडल का सहप्रभारी बनाया है। इस मौके पर मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने उनको फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आप लोग जानते हैं कि जो विश्व हिंदू महासंघ है वो हिंदू पुनरुत्थान और हिंदू जनजागरण के लिए कार्य करता है और यह विश्व के 79 देशों में कार्य करता है। पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो गोरखनाथ मठ के मठाधीश रहे हैं और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, के माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद में कालिका मठ दिल्ली के जो अवधूत जी महाराज जी हैं, उनकी अनुकंपा से, महाराज जी की कृपा से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी के आशीर्वाद से, एवं जो हमारे मंडल प्रभारी श्री मनोज श्रीवास्तव जी के अनुकंपा से और विशेष सहयोग हमारे जिला अध्यक्ष जी की कृपा से, मैं सह मंडल प्रभारी आजमगढ़ का बनाया गया हूँ।
कानपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रीन पार्क स्टेडियम में 10 से 15 सितंबर के बीच दुनिया के दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें सचिन, सहवाग, लारा और केविन पीटरसन जैसे क्रिकेटरों को फिर से मैदान पर देखने का रोमांचक होगा। जानकारी के मुताबिक हाल में वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये मैजिस्टिक लेजेंड कंपनी है बॉम्बे की, वो रोड सेफ्टी सीरीज 2 कानपुर में 10 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित करा रही है। इसमें क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 8 टीमें हैं हमारी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। ये टीमें आएंगी, जिसमें पहला मैच हमारा 10 तारीख को ओपनिंग मैच होगा, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा, जिसमें हमारे देश के लेजेंड खिलाड़ी सुनील गावस्कर जी, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, युवराज आदि आएंगे। मंत्री OSG मोतीलाल सिंह अपनी बहन की मौत की सूचना पर गोरखपुर से लखनऊ के लिए पहुंचे, जहां बस्ती कांटे चौराहे से आगे नीलगाय आने की वजह से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें मोतीलाल सिंह और उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मोतीलाल सिंह के इलाज के दौरान गोरखनाथ हॉस्पिटल में मौत हो गई, साथ ही पत्नी वीना सिंह का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज ICU में चल रहा है। खबर कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा लालीपार से है, जहां प्रगतिशील किसान के खेत में चीनी मिल के तरफ से गन्ना बुआई का कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ गन्ना उपाध्यक्ष ने फीता काटकर और आचार्य पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया। साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बताई। वही इस दौरान क्षेत्रीय जोनल इंचार्ज ने भी किसानों को खेतों में गन्ना बुआई का आह्वान किया। इस समय जो गन्ना बुआई का समय है, बहुत उचित वातावरण है और इस क्षेत्र में गन्ने की बुआई जो भी किसान भाई को हम लोग समझा रहे हैं या उनको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो गन्ना बुआई है मानसून गन्ना बुआई है, अर्धसाली गन्ने की बुआई है। इस समय जो भी किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, वो गन्ने की पैदावार एक एकड़ में तकरीबन 500-600 कुंटल ले सकते हैं। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु पार करके बह रही है, वहीं उसकी सहायक नदी वरुणा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, जिसके बाद नमो घाट पर स्मार्ट सिटी के द्वारा सूचना बोर्ड लगाया गया, जिसके यह सूचना दी गई है कि घाट पर टहलना सुरक्षित नहीं है। सभी क्या है समीक्षा एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वह जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ न हो, दुख हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जिनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनके भोजन सब सुविधाएँ हैं सभी प्रकार की और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। मुरादाबाद के गल शहीद थाने इलाके के असलातपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक संगरी गली के बने एक मकान में बने गोदाम से लोगों ने काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुएं के बीच आग की लपेटने निकली और धीरे धीरे आग ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से दूसरी मंजिल पर रह रहे परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने इस तरह 5 शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के बहरपुर गांव में प्राइवेट स्कूल के पीछे एक युवक का शव पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बरहापुर क्षेत्र में सावित्री स्कूल के पीछे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना वहां पे टीमों द्वारा किया गया है।
फील्ड यूनिट को भी वहाँ पर भेजा गया था पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त होगी इसमें तहरीर को पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तीन टीमों का गठन इस मर्डर केस को खोलने में न किया गया है। इसमें जो व्यक्ति की शिनाख्त न हुई है वो सत्यम सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। मैनपुरी के कुसमरा कस्बे में खुद के निजी आवास में रह रहे युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। आपको बता दें कि शव के पास से कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। किसनी थाना अंतर्गत कुसमरा में संतोष कुमार शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, अपने छत पर मृत अवस्था में सुबह पड़े मिले। इस संबंध में इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि सुबह 6 बजे जब घर का दरवाज़ा खोल के देखा गया तो ये छत पर लहूलुहान हालत में थे। उसके बाद इनको लोकल किसी डॉक्टर से दिखाया गया, फिर वहां से इनको CSC ले ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।